सीधा साधा गणित कोई ज्ञान में बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा सा गणित चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है, दो सुख दीना सुख होता है, दुख दीना दुख हो, सीधी सी बात है। हम यदि अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, और हम अपने माँ बाप को तकलीफ देते तो आने वाले बच्चे हमारी आरती पूजा नहीं करने वाले। जा डोकरा जा लिया टाटा जा रहे, जीते जी हम उनकी कदर करना सीख जाए। एक पास में नासिक की एक सिंगर शायद गीता माली नाम था उसका, है ना, लोग जानते हैं जो संगीत क्षेत्र के, गीता माली नाम की गायिका थी नासिक की। दो चार छह महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, मर गई। वो बहुत बड़ी गायिका थी गीता माली नासिक। उसके पुराने गाए हुए भजन मोबाइल पर डले हुए हैं, तो मैं एक दिन देख रहा था कि देखे से कैसा क्या, तो मैं उसके ऊपर जो कमेंट्स लोगों ने किए वो पढ़ रहा था, तो एक कमेंट से मुझे सोचने पर बड़ा मुझे लगा कि क्या बात है। एक भाई ने उस गाने के ऊपर लिखा कि जीते जी जब तक इसने गाया था उसके ऊपर लिखने वाले को इसकी सराहना करने वाले बहुत कम लोग थे, और जब आज वो चली गई उसके गाने के ऊपर उसकी सराहना करने वाले सैकड़ों लोग उसको कमेंट्स कर रहे। अरे हम जो जिंदे हैं, जो हमारे सामने हाजिर है, उनकी हम कीमत करना सीख जाए, मरने के बाद सब अच्छा बोलते अच्छा अच्छा। आज हम बापू जी के पुण्यतिथि के निमित्त एकत्रित हुए हैं, ये कार्यक्रम चल रहा है, तो काश हमारे भी जीवन ऐसा बन जाए कि हमारा जीवन भी किसी के लिए एक मिसाल बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, सुमिरन ऐसा करो कि मन सुधर जाए। यूं तो आकर इस जगह से चले जाते बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ काम ऐसा करो कि आपका वह काम आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन जाए। आकर न जाने कितने लोग मर जाते लेकिन हर कोई याद रहता है। हम अपना काम ऐसा करें, अपना जीवन ऐसा जिए कि लोगों के लिए हम प्रेरणा बने, प्रेरणा। परम पूज्य बापू जी का जीवन आज हमारे लिए प्रेरणा है कि नहीं? जो भी बापू जी की बात सुनता है, बापू जी की सत्संग सुनता है, आंखों में आंसू लेकर का हमारे बापू जी क्या बोलते हैं, कैसे बना उनका जीवन इतना महान? क्योंकि उनका जीवन तपस्यामय रहा। मात्र 14 वर्ष की उम्र में घर परिवार छोड़कर जहां पर अभी आसी उस टेकड़ी पर आकर तपस्या में मग्न हुए। 14 वर्ष की उम्र में तपस्या में लीन हुए, 14 वर्ष का फलाहार का व्रत लिया, नहीं मैं फलाहार नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। 4.5 साल तो मौन हो गए तपस्या के समय अंतराल में, 4.5 साल मौन रहे। मेरे बंधुओं, जब बापू जी 14 वर्ष की उम्र में साधु बनकर 14 वर्ष फलाहार का व्रत लेकर 4.5 साल मौन व्रत रहकर उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हम तो कोई 14 साल का है, कोई 28 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का है, हमको साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम हम साधक तो बन जाएं। हमारे बापूजी महान, हमारे बापूजी भगवान श्री रामदेव जी बाबा के अवतार, हमारे बापूजी बहुत बहुत, लेकिन हम अपने बापूजी की बात को याद करके हमको अपना जीवन भी तो सुधारना चाहिए। बापू जी 14 साल फलाहार पर रहे, बापू जी 14 साल का नियम था, लेकिन 18 साल हो गए, आदत ही हो गई फलाहार करने की। 18 वर्ष बापू जी का फलाहार नहीं गया, हमको फलाहार की छोड़ो, हमारी प्रार्थना मेरी प्रार्थना इतने खूब भोजन करो, लड्डू खाओ, पेड़े खाओ, गुलाब सब खाओ, मांसाहार तो छोड़ दो। बापू जी तो अन्न छोड़ दिया, हमारे लिए अन्न छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
थोड़ा सा, यदि हम बापूजी की महिमा गाते हैं, यदि हम बापूजी को भगवान मानते हैं, यदि हम बापूजी को अपना जीवन का आदर्श मानते हैं, तो हमको कुछ सीखना भी तो चाहिए उनसे। हमारे बापू जी 14 वर्ष की उम्र में साधु बन गए, अभी हमको इस उम्र में जिसकी जो हो कम से कम हमको साधक तो बन जाना चाहिए। लेकिन बापू जी फलाहार कर रहे 18 साल, अन्न नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, कम से कम हम खाओ अन्न खाओ, कम से कम न खाने जैसी चीज तो छोड़ो। बापू जी 4.5 साल मौन हो गए, कुछ नहीं बोले, मौन हो गए, हमको मौन नहीं होना है, कम से कम सच बात तो बोले, झूठ बोलना तो छोड़े, इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं। अरे बाल्या कोड़ी इतना डेंजरस पर्सन के आने वाले लोगों की हत्या करके 4 नारियल खून के भर दिए, और नारद मुनि का सत्संग मिला, सत्संग मिला और घर परिवार का यथार्थ पता चल गया कि कोई किसी का नहीं है। बाल्या कोड़ी घर परिवार को छोड़कर तपस्या में मग्न हो गए, इतनी तपस्या की उनके ऊपर दिमाग चढ़ गई, उदय मराठी क्या बोलते बारू, देखो कहा तो कितना खतरनाक आदमी की लोगों की हत्या करके लूट करके 7 रन ब्लड के खून, कितना खतरनाक आदमी। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी नारद मुनि के सत्संग में आकर, उनका सत्संग पाकर अपना जीवन बदल दिया। हमारे में से कोई इतना पापी नहीं है, है क्या? जब इतना खतरनाक आदमी भी अपना जीवन बदल सकता है, जीवन क्या बदला, त्रिकालज्ञ बन गया। त्रिकालज्ञ क्या, भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ उसके पहले वाल्या कोड़ी ने, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिख दी, भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले। हम बापू जी का सत्संग पाकर नहीं हम त्रिकालज्ञ बने कोई बात नहीं, नहीं हम साधु बने कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरी भावना ऐसी है कि हम बापू जी का सत्संग पाकर कम से कम साधक तो बन जाए, हमारा जीवन भी अच्छा हो। हमारा जीवन अच्छा होगा तो बच्चों का जीवन अच्छा होगा। बाप बीड़ी पिएगा, बाप बंडल ला बेटा किरण 10 रुपए ले जा बंडल ला, जब बाप बीड़ी पिएगा तो बेटा बीड़ी पिएगा कि नहीं पिएगा बोलो जरा, नहीं साथ नहीं पिएगा। तुम जब बीड़ी पीते तो कट्टा फेंकते हो ना रुकड़े पर जाकर जाता है, छोटे छोटे बच्चे रुकड़े पर से वही कट्टे इकट्ठे करके स्कूल के पीछे पंचायत के पीछे की बिल्डिंग के सामने इकट्ठे करके वो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते, फिर वो कट्टे पर से उनका कॉम्पिटिशन चलता है, निकाल तो तू मारो बजागा तो निकाल चलते नाक में से निकालता है, उनका कॉम्पिटिशन चलता है। कब, जब बाप पिता है तब। बाप ही दारू पिएगा तो सोचेगा कि मेरा बेटा अच्छा बने, कोई बाप है क्या ऐसा कि मैं तो दारू पी लेकिन मेरा बेटा वो भी दारू पीना जैसा कुछ सोचता है? कौन सोचता, जरा हाथ खड़ा करो मैं भी देखूं, कोई सोचता है ऐसा कि जो बाप खुद दारू पीता होगा, खुद दारू पीता होगा और वो लोगों को हाँ मेरा बेटा ही पिए तो अच्छा लगेगा, किसे लगता है अच्छा? नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। तो हम बापू जी के पुण्यतिथि के निमित्त एकत्रित हुए हैं तो कम से कम हमारा जीवन अच्छा बन जाए। बापू जी ने 14 वर्ष की उम्र में इतनी कठिन साधना करके जो ज्ञान प्राप्त किया, वह ज्ञान आपको हमको सबको बिना मूल्य बांटा आपकी और हमारी व्यथा देखकर, ये करुणा है बापू जी की। तो उनको क्या, वो तो अपने ध्यान की मस्ती में मस्त थे, उनको क्या मतलब था अपने ज्ञान का प्रकाश करने का, तो जहां थे वहां आनंदित थे। लेकिन कलियों आपके और हमारी जैसे जीव की दुर्दशा देखकर बापू जी ने अपना ज्ञान आप हम सबको बांटा। तो मेरे बंधु बापू जी से संत का हमको सानिध्य मिला, उनका सत्संग सुनने का अवसर मिला, आपका और हमारा सबका भाग्य है कि हमको बापू जी संत के दर्शन भी होना बहुत पुण्य की बात है। बापू जी संतों की उनकी अमृतवाणी अपने कानों पर आई, ये पुण्य की बात है, बिना पुण्य के कुछ मिलता नहीं है।
बिना पुण्य के कुछ मिलता नहीं है। बड़ा अच्छा ग्राम है, बड़े अच्छी युवा मंडली है, सब लोग अच्छे हैं। अच्छा रहकर इतना अच्छे अच्छे काम करो, भूल जाओ अपने संकुचित स्वार्थों को। खैर नहीं है लेकिन हो भी तो, सब गांव एकजुट रहकर, सब एक मिलकर, एक जगह एकत्रित होकर विधायक कार्य करो। राजनीति अपनी जगह है, धर्म नीति अपनी जगह है। कृपया धर्म में राजनीति न लाए, राजनीति में धर्म लाए। हो रहा उल्टा, धर्म में राजनीति लाए, राजनीति लाते, लेकिन राजनीति में धर्म लाओ, धर्म में राजनीति नहीं। सब ग्राम मिलकर बढ़िया अच्छे और भी अच्छे से सब मिलकर ही करते, अच्छा ही करते। लेकिन इतना एजुकेटेड गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और अच्छा हो इसी मेरी भावना। बात कर रहा था परम पूज्य बापू जी की। अरे बापू जी ने कितने कठिन परिस्थितियों से जीवन गुजारा। अरे बापू जी का उपवास था ना, तो सेंग दाना गरम करने के लिए, भूंजने के लिए तवा भी नहीं था। तवा नहीं, तवा भी नहीं था। वो नहीं, वो तेल का कंसरा आता है, तेल का 12-15 लीटर वाला तेल का कंसरा आता है। वो कंसरा कहीं मिलता, कंसरों को तवा बनाकर आग जलाकर उस पर सेंग दाना भूंज कर खाते थे बापू। आज बापू जी को हम भगवान मान रहे हैं तो फोकट में नहीं, न जाने कितने जन्मों की तपस्या है उस जन्म की भी। यदि हम बापू जी की बातों को आत्मसात करेंगे तो मेरे बंधुओं, आपको और हमको इसी जीवन में आनंद मिलेगा। आनंद अध्यात्म में है, आनंद अपने अंतर में है, आनंद संतों की वाणी में है। हम जितने 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 अंतर्मुखी होते जाएंगे तो हमारी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अवद सहज सुख राशी, चेतन अवद सहज सुख राशी। हम सबका जीवन सहज आनंदमय है, लेकिन हमारा वेदांत कहता है कि मन विक्षेप और आवरण के कारण हमको आनंद थोड़ा सा हमारा दूर हो गया है। इसलिए सत्संग कर करके हमारा वह आनंद हमको अपने में मिलने लग जाए। और जिन परम पूज्य बापू जी पर कृपा बरसे, भगवान श्री रामदेव जी बाबा के, चलो आज समय है तो हम एक भजन भगवान श्री रामदेव जी बाबा का।